हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो कि आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की स्टडी में हम देखेंगे आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स, आपके लिए वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव के एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखें, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है? तो ये आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, कर्क वृश्चिक, मीन राशि के आपके क्रश हो सकते हैं। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, नंबर 92831 आपके आपके क्रश के बर्थ डेट में हो सकता है। तो करंट में आपके क्रश को डेफिनेटली किसी बात का गिल्ट तो है, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है कुछ, उस बात का बहुत गिल्ट है, जो कि वो बात करंट में इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही है। लेकिन अगर आपका कोई रिश्ता है ही नहीं इनसे, कभी आपने इनसे बात ही नहीं करी है, बस दूर से देखा देखी चल रही है, और जो कि इनको इस बात का गिल्ट है कि या आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इनको ये फील होता है कि थर्ड पार्टीज बर्डन हैं, थर्ड पार्टीज की वजह से बहुत ज़्यादा अटका हुआ है, थर्ड पार्टी शायद आपको कभी पसंद नहीं करेगी, आपको जैसे कि मतलब चांस ही नहीं इनके घर में कुछ, ऐसा इनको लगता है। आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा पाने का गम इनको करंट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे दो सिचुएशन से जो थोड़ा बहुत जानते हैं अपने क्रश को, उनके क्रश जो कि इन्होंने आपके साथ डेफिनेटली कुछ गलत किया है, क्या उसके लिए आपको दिल से सॉरी बोलना चाहते, गिल्ट पे हैं और जैसे कि लेट गो कर दिया इस रिलेशनशिप में इन्होंने, शायद एफर्ट्स लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है। आपकी इनको याद बहुत आ रही करंट में, लेकिन बात नहीं करना चाहते, लेट गो कर दिया है, क्योंकि ये आपके साथ शायद जस्टिस नहीं कर सकते, जो आप चाहते हो नहीं आपको नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये आपको भी चूज़ करेंगे या तो ये दोनों में से किसी एक को अगर चूज़ करते हैं ना, या तो थर्ड पार्टी या आप, तो ये मरने ही वाले हैं। तो इनको जैसे कि मरना नहीं है, तो ये सोच समझ से सोच समझ के बात करेंगे तब तक, जो कि लेट गो करना बेटर है। अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो सिचुएशन को स्वीकार करना ही बेटर है। इन्होंने इस सिचुएशन को स्वीकार कर लिया, लेकिन ये आपको खोने से बहुत डरते हैं, ये आपको दिल से पसंद करते हैं, इनका इच्छा है, ये दिल से चाहते हैं कि आपके साथ सेलिब्रेशंस करें, जो कि रीयूनियन करें। अगर आप पहले से मतलब कॉलेज के दोस्त हो पहले से, तो ये आपके साथ रीयूनियन और जैसे कि पहले जैसी सारा टाइम वो स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन करंट में जैसे कि आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाने का गम इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है, ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं। ये करंट में इनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जीज है, और जैसे कि अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने आप में ही ढूंढ रहे हैं कि इन्होंने आपको लेके मतलब किस तरह से आपके साथ कोल्ड बिहेवियर कर करके आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल के बहुत दिनों तक आपको रिप्लाई नहीं करके ज़्यादा टाइम तक जैसे कि ऑन एंड ऑफ या फिर ब्लॉक करके रख के, गलतियाँ तो मैंने ही करी है, अगर ये ऐसा मैं नहीं करता तो काश ये पर्सन जो कि आज मेरी ज़िंदगी में होता, क्योंकि आपको फिर ऐसे फील होने लगा कि ये पर्सन जैसे कि आप पे इंटरेस्टेड है ही नहीं, ये करंट में आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं कि कंप्लीट नज़र आपके ऊपर है और जैसे कि आपका अपना प्यार वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में है। लेकिन ऐसी सिचुएशन को स्वीकार करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, लेट गो कर दिया है और जैसे कि डिवाइन पर सरेंडर कर दिया। लेट गो करना मतलब कि डिवाइन पे सरेंडर करना, जैसे कि मेरी जैसी ज़िंदगी वैसी ज़िंदगी जियो, अगर भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता स्टार्ट होगा, चाहा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी मेरे घर वालों के अपोजिट तो नहीं जाऊँगा, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सबसे बढ़कर है। अगर ये शादीशुदा पर्सन है तो इनको इस बात का गिल्ट है कि काश आप इनको पहले मिल जाते तो कितना अच्छा होता, इस तरह की एनर्जी, ठीक है? चाहे जो हो लेकिन करंट में जो भी सिचुएशन उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है और डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को, ठीक है? कभी भी आपको दिल से खोना नहीं चाहेंगे, इस तरह की एनर्जी से। हम देख लेते हैं इस पर कि आपसे बात क्या करना चाहते हैं। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त इनके क्रश इनसे बात क्या करना चाहते हैं, आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, ये आपसे ज़्यादा कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकते, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन शायद आपको अभी तक इन्होंने बताया नहीं है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, इन्होंने आपको शायद इतना ऑन एंड ऑफ या मैंने जैसे कि बोला बहुत आपके लिए फील कर रहे, शायद आप नहीं करते,
आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट केयर्ड, ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये डरते हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, शायद हो सकता है कि आपने पहले बहुत एफर्ट्स लगाए जो कि बाद में अगर ये आपसे बात करने के लिए आया तो आपने ही मना कर दिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इनको कुछ लेसन मिला है आपसे, ये आपको बता रहे कि आपके उस लेसन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आई फॉरगिव यू, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई तो आपके लिए सॉरी बोल रहे करंट में। यहाँ पे जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं आपको वही लेना है, ठीक है, क्योंकि कौन सा मैसेज किसके लिए होता है हमें नहीं पता होता है। आई डोंट वाना हाइड दिस लव, अभी ज़्यादा टाइम तक आपसे नो कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी आके आपको बताएंगे। आई कैन फील यूअर डिज़ायर फॉर मी, इनको पता है कि आप इनको दिल से लाइक करते हो, इनको पता है कि आप इनको पता है कि आपकी इच्छा है इनके साथ रिश्ता स्टार्ट करने की। नथिंग एल्स मैटर्स, अब जो कि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो और कुछ भी नहीं, ठीक है। और एक कार्ड ले लेते हैं, जस्ट से समथिंग टू मी, ये चाहते हैं कि आप इनसे कुछ बात करो। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, ये आपके बहुत सारे सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, रात भर जागते हैं, रात भर सपने देखते रहते हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।